जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेलवे तक में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय सभी जोनों में ग्रुप डी की ज्वाइनिंग चल रही है, उसी से रिलेटेड आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे के जो मैसूर डिवीज़न है उसमें ग्रुप डी कैंडिडेट का जो ज्वाइनिंग चल रहा है वह मैसूर रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये मैसूर रेलवे का जंक्शन है। इसमें प्लेटफॉर्म वन पर आने पर आपको यहां पर कुछ इस तरीके से नज़ारा दिखेगा। ये 360 व्यू है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहां से चलने पर आपको यहां पर नेशनल फ्लैग और मैसूर पैलेस, इसके अलावा चामुंडी हिल्स का जो टेम्पल है उसका ये सभी दिख जाएगा व्यू। और यहीं पर फोर व्हीलर का पार्किंग भी है। और जो शेड आप देख रहे हैं, यहाँ पर CNW वर्कर्स अपना कार्य करते हैं। यहाँ से कुछ आगे चलने पर जो आप लड़के को आते हुए देख रहे हैं वहाँ पर पहुँचेंगे। इसके बाद ये वहाँ से ये व्यू है, इसी के सामने यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ से आपको अंदर जाना है। ये ऑफिसर्स के लिए मेन गेट है, बाकी आपको आना है दूसरी साइड से। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, जैसे कि ये रेलवे स्टेशन पर आने का रोड है और यहीं पर ये जाने का। इसके बाद यहाँ पर अंदर आने पर इस तरीके से आपको देख सकते हैं डिविजनल रेलवे मैनेजर मैसूर डिवीज़न का ये बिल्डिंग है। यहाँ से कुछ दूरी पर चलने पर आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो ये इंजन है जो कि दर्शकों के लिए रखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे चलने पर, यहाँ से एंट्री किए थे हम, वो गेट है आप देख सकते हैं। यहीं से एंट्री करने के बाद आपको जो सीधा रोड दिख रहा है सीधा चले जाना है। यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो कुछ इस तरीके से ये बिल्डिंग दिखेगा, जो कि मेन बिल्डिंग अभी कार्य चल रहा है, जैसे कि वहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस है। इसके अलावा वहाँ लास्ट कॉर्नर में आपको जाना है। इससे पहले ये आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग में कार्य चल रहा है जो कि कंट्रोल ऑफिस बनेगा यहाँ पर। यहाँ से आगे चलने पर आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं। जो आप अभी स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। यहाँ से आप 360 व्यू देख सकते हैं, सामने का व्यू बहुत ही अच्छा हरियाली व्यू है। जैसे कि आपका जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के लिए आपको साउथ वेस्टर्न रेलवे या किसी भी जोन आपको बुलाता है तो आपको मिनिमम 10 दिन के लिए ज्वाइनिंग के लिए आपको लगेगा। इसके अलावा ज्वाइनिंग दे जाने के बाद आपको वहीं पर वर्क स्टार्ट करने का ऑप्शन या फिर घर से आने के बाद ज्वाइनिंग का भी ऑप्शन दिया रहता है। जैसे भी आपको अच्छा लगे वह आप कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं, ये सभी कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए आए हैं और ये है लगभग यहाँ पर इनको 7 से 8 दिन हो चुका है और यह सभी होटल्स में रुक रहे हैं, जिसमें कि इनका खर्चा पर डे लगभग खाना पीना मिलाकर 600 रुपीस हो जाता है, जिसमें कि 400 रुपीस अगर आप सिंगल रहते हैं तो आपको 400 पे करना पड़ेगा। अगर आप 2 या 3 दोस्तों के साथ रूम शेयर करते हैं तो उसमें आपका खर्चा बच सकता है। तो आप सभी को यहाँ पर आकर बढ़िया 2-3 लोगों का ग्रुप बनाकर रूम लेंगे तो शेयरिंग में आपको कम खर्चों में 7 दिन 8 दिन लग जाता है, तो वह आसानी से निकल जाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और भारतीय रेलवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी चैनल पर आपको रेलवे से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी इसी चैनल पर उपलब्ध होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।